पटना हाई कोर्ट के वकील बबलू सर जी है, इनसे हम जानकारी लेंगे कि कैसे मौत के कगार पर आप पहुंच गई है और इस सर्वे में अब हो सकता है तो सरकार वापस भी लेगी। सर्वे का कहने का मतलब हो गया कि यहाँ तो अधिकारी की बल्ले बल्ले हो गई है, बल्ले बल्ले भाई की, जिसमें काम में एक रुपया भी खर्च नहीं है उस काम के लिए 2000 रुपया मांगा जा रहा है, तो वो गरीब आदमी के लिए वो तो मौत हुआ ना। घोटाला है तो ये तो मौत का सर्वे ना है, तो सरकार को मुझे लगता है कि इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है। कम से कम कंप्लेन, एक कंप्लेन नंबर तो कम से कम वहाँ पे चिपकाना चाहिए था। पैसा मांगता है, आप फोटो ले लीजिए, रिकॉर्डिंग कर लीजिए, वीडियो ले लीजिए और फिर आप वहाँ पे दीजिए, तो उस अधिकारी पे उस स्टैंड करवाई होनी चाहिए। घोटाला का एक चैन आप स्थापित कर दिए हैं, या आप करोड़पति और लाखपति बना रहे हैं, माफिया के नाम पर आप गरीबों को परेशान नहीं कर सकते ना। आपको भू माफिया है तो आप भू माफिया के लिए अलग एक बिल लाइए ना भाई। सरकारी जमीन पे कब्जा करने वाले लोग हैं वो सरकार के ही लोग हैं, सरकार के ही हैं, सरकार के ही गुंडे हैं, वो कौन लोग हैं नहीं सरकार को पता है। आपका रियली में आपका जमीन है तो आपका जमीन को कोई टच भी नहीं करेगा, कोई छुएगा भी नहीं, बिना आपसे 1 रुपया 2 रुपया बिना फीस लिए हुए। हाँ। आपको जो सही रास्ता होगा वो रास्ते पर चलने का हम सलाह देंगे और वहाँ पे आप चल के आप इन परेशानियों से बच सकते हैं। माने की जरूरत नहीं है, आप एक आपको वकील से आप सलाह लीजिए। कोई भी आपको झांसा में देता है कि हाँ भाई आपका जमीन जाने वाला है, ये होने वाला है, आप कोई उसमें बेफिक्र रहिए। सर को हम बबलू सर के नंबर डाल देंगे वीडियो में और इनसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा और आइएगा पटना में, आपको हाई कोर्ट में के पास मिल जाएगा। में जमीन सर्वे हो रहा है और ये जमीन सर्वे अब मौत के कगार पर आ गया है लोगों को। हमारे साथ है पटना हाई कोर्ट के वकील बबलू सर जी है, इनसे हम जानकारी लेंगे कि कैसे मौत के कगार पर आप पहुंच गई है और इस सर्वे में अब हो सकता है तो सरकार वापस भी लेगी। क्या पहले स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ ये मौत का बोला जा रहा है कि सर्वे हो रहा है, क्या कुछ ये राज थोड़ा खोलिए हम लोग को, दर्शकों को। मौत का सर्वे के कहने का मतलब हो गया इन द सेंस की बहुत सारे जो गरीब लोग हैं, जो कमाने वाले हैं, खाने वाले हैं, जिनके पास बहुत कम जमीन है, किसी तरह से अपने परिवार का गुजारा भत्ता करते हैं, परिवार चलाते हैं, और जब आप इस तरह का सर्वे जब बिहार सरकार लाई है तो डोर टू डोर सर्वे हो रहा है। हाँ। पदाधिकारी घर पे जा रहे हैं, कागज़ का डिमांड कर रहे हैं, बहुत से कागज़ गरीबों के पास या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास नहीं रहने के कारण वो उनको ब्लॉक जा रहे हैं, वहाँ पर उनसे पैसा मांगा जा रहा है, 20,000 30,000 बंसा बली के नाम पर, खतियान के नाम पर, मौजा के नाम पर, खेसरा के नाम पर, प्लॉट नंबर के नाम पर, इस तरह के वहाँ पे पैसा का उगाही किया जा रहा है। चूंकि ये पहली बार नहीं है, पूरे आप जाइएगा पूरे देश का ये हालात है कि करप्शन में भारत का और जो बिहार का जो मामला है, जो मैटर है वो आप देख रहे हैं कि कितना करप्शन है, और करप्शन आप ब्लॉक से ज्यादा करप्शन कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। आप जाइएगा ब्लॉक में तो बिना 1 रुपया दिए हुए कोई काम नहीं होता। तो मौत का सर्वे का कहने का मतलब हो गया कि यहाँ तो अधिकारी की बल्ले बल्ले हो गई है, बल्ले बल्ले भाई की, जिसमें काम में 1 रुपया भी खर्च नहीं है उस काम के लिए 2000 रुपया मांगा जा रहा है, तो वो गरीब आदमी के लिए वो तो मौत हुआ ना। गरीब आदमी कहाँ से देगा उतना पैसा। आप खसरा खेत खाता नंबर के नाम पर, प्लॉट नंबर के नाम पर, डीड के नाम पर, निकालने के नाम पर, कागज निकालने के नाम पर, आपको सरकार तो तनख्वाह दे रही है, किस लिए तनख्वाह दे रही है, इसलिए तनख्वाह दे रही है, लेकिन आप उसके नाम पर आप 10,000 20,000 50,000 रुपया 1,00,000 रुपया तक डिमांड किया जा रहा है, तो गरीब आदमी के लिए तो फांसी ना हुआ, गरीब आदमी के लिए तो मौत हुआ, वो कहाँ से इतना पैसा देंगे। राइट है, तो सरकार को यहाँ पे सोचने की जरूरत है। मैंने कहा, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि सरकार को कम से कम कंप्लेन नंबर तो कम से कम वहाँ पे चिपकाना चाहिए था, उसे संबंधित अधिकारी वहाँ पे मौजूद करनी चाहिए कि अगर किसी तरह का कोई घूस मांगता है, पैसा मांगता है, आप फोटो ले लीजिए, रिकॉर्डिंग कर लीजिए, वीडियो ले लीजिए और फिर आप वहाँ पे दीजिए, तो उस अधिकारी पे उस स्टैंड करवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आप लोग गरीब लोग आदमी के पास इतना डर होता है कि भाई सरकार से उलझना नहीं चाहता है, कर्मचारी से उलझना नहीं चाहता है, नकल भी निकालने जाता है तो ले लेता है 1,000 2,000 पता नहीं लगता, वो बंसाबली के नाम पर 1,000 2,000 5,000 रुपया, ऐसा नहीं है कि 1,000 रुपया, 5,000 10,000 उसका कोई लिमिट नहीं है, जैसा है पट गया वैसा मिल गया, तो आप समझिए कि कितना बड़ा घोटाला है। तो ये तो मौत का सर्वे ना है, तो सरकार को मुझे लगता है कि इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है, और जिस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है, वो बिल्कुल रीजनेबल नहीं है, वो बिल्कुल जस्ट एंड फेयर नहीं है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस बिल में थोड़ा संशोधन करने की जरूरत है, सरकार की और तैयारियां पूरी एकदम बढ़िया से करना चाहिए। सरकार ये तो सरकार तो बेवकूफ वाला, जिस तरह के इस देश में जब कोरोना आया था तो बिना कुछ कहे सुने, बिना कोई फैसला लिए हुए, बिना समझे हुए कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसका क्या इफेक्ट होगा लोगों पे,
कोरोना में पूरे को अति कर दिया गया, बंद कर दिया गया, पूरे देश में आवाजाही बंद होगी, उसके बाद जो देश का स्थिति हुआ देखें, तो सरकार को पहले बिल लाने से पहले ये देखना चाहिए था कि इसका लैंड पे इसका क्या इफेक्ट होगा, कितने लोग इससे परेशान होंगे, कितने लोगों का ये एक, आप तो एक महा घोटाला का एक चैन आप स्थापित कर दिए हैं, या आप करोड़पति और लाखपति बना रहे हैं आप, उनका महा घोटाला, वही तो कह रहे हैं कि आप महा घोटाला का एक चैन आप श्रृंखला बना दिए हैं भाई, एक हैं कितने कर्मचारी लोगों के पॉकेट में जा रहा है, सीओ सरकार का बोलना है कि इसे जो भू माफिया जो रहता था, जो अवैध पर कब्जा किया हुआ है, उसको हमें निपटारा करने के लिए ये सोल्यूशन किए हैं। लेकिन आप देखिए देखिए, भू माफिया के नाम पर आप गरीबों को परेशान नहीं कर सकते ना, आपको भू माफिया है तो आप भू माफिया के लिए अलग एक बिल लाइए ना भाई, भू माफिया के लिए अलग बिल लाइए कि जो भी अवैध कब्जा जिस पे आप एक सर्वे कीजिए उस जमीन का, आप ठीक है बिहार जो सर्वे लैंड लाए हैं आप सर्वे कर लीजिएगा कि कितना हमारा सरकारी जमीन है और उस सरकारी जमीन पर किसका किसका कब्जा है और कब्जा करने वाले कौन आदमी है और कब्जा करने वाला कौन आदमी है जी, आपको नहीं पता है भाई, हम तो मीडिया को वीडियो आप जो मीडिया आप लोग हैं आप लोग तो को पता ही है, और मैं वीडियो के सामने बता रहा हूँ, आप लोग के सामने बता रहा हूँ कि जिस सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले लोग हैं वो सरकार के ही लोग हैं, सरकार के ही हैं, सरकार के ही गुंडे हैं, वो कौन लोग हैं नहीं सरकार को पता है, भू माफिया आप किए हैं किसी पे, आपकी इतनी औकात है, हमारी इतनी औकात है कि सरकार के जमीन पर बिल्डिंग खड़ा कर देंगे, सरकार के जमीन पर अवैध कब्जा जमा लेंगे, वहां पे गाय रख लेंगे, तो गरीबों और जो आम पब्लिक है वो कितना सरकारी जमीन पे कब्जा किया हुआ, उसको तो हटा ही दिया जाता है। ये भी सवाल उठता है सर, अगर वहाँ पर ब्लॉक में धांधली हो रहा है, क्या कुछ ब्लॉक से कुछ मतलब पैसा उसको नहीं जुट रहा है, पैसा मांग रहा है, उसको प्रूफ लेके नहीं आ रहा, क्या न्याय में पहुंचेगा तो न्याय में मिलेगा उनको, इंसाफ होगा? बिल्कुल देखिए, अब न्यायालय ही इंसाफ करती आई है, इंसाफ तो न्यायालय ही ना करती आई है भाई, पुलिस प्रशासन और जितना भी सरकार का भी इंसाफ किया है लोगों के साथ भाई, सरकार का कोई चेहरा होता है, सरकार का कोई करेक्टर होता है भाई, न्यायालय पर जो लोगों का जो विश्वास है आज भी है, कल भी था और हमेशा रहेगा, तो न्यायालय हमारे पास एक आखिरी रास्ता होता है, गरीब लोग हो या अमीर लोग हो, इस बात को मैं बोलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि हाँ न्यायालय में भी जो होता है कि कॉस्ट जो आप केसेस का जो कॉस्ट होता है वो काफ़ी है, लेकिन बहुत सारे लोग हम लोग हैं कि जो गरीब लोग होते हैं उनका मदद करते हैं, और मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी लोगों को भी ऐसी परेशानी हो रही है, जो लोग भी परेशान हो रहे हैं सरकार के बिल से परेशान है, अरे कर्मचारी से परेशान है, तो आप आइए और हम लोग आपको सजेस्ट करने का काम करेंगे, अगर आपका रियली में आपका जमीन है तो आपका जमीन को कोई टच भी नहीं करेगा, कोई छुएगा भी नहीं, हमारे पास न्यायालय है, जुडिशियरी है, न्यायिक व्यवस्था है, वहां से न्याय सबको मिला है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे कोई भी हो, तो डरने की बात नहीं। बबलू सर, एक ये भी सवाल है, आपके सहायता भी चाहिए, क्योंकि लोग को माइंड में भ्रमित कर देता है कि हाँ भाई आपका ये जमीन नहीं है, ऐसे हो जाएगा, ये नहीं होगा, सर्वे हो रहा है, खत्म हो गया, आपको ब्लॉक में जाता है, 10,000 दे देता है, मतलब गर्जियों में कुछ भी करने दे देता है। देखिए, हमारे देश में जो भी इंटेलेक्चुअलिटी और जो साक्षरता दर है, जो पढ़ा लिखा जो बहुत कम है, आप इस चीज़ों को देखते हैं कि आज भी लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, उतनी समझदारी नहीं डेवलप हो पाती है, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि जब कोई बीमारी होता है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, अच्छे डॉक्टर भी MBBS हैं वहाँ पे, उनसे मिलिए, वो अच्छे सलाह देंगे, अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो दलालों से आप बचिए, आइए वकील से मिलिए, और हम लोग बिना फीस के भी आपका, ऐसा नहीं है बिना फीस को भी आपको कंसल्ट करने का काम सर एकदम मतलब हमेशा रेडी रहे, बिल्कुल बिना आपसे 1 रुपया 2 रुपया बिना फीस लिए हुए आपको जो सही रास्ता होगा वो रास्ता पर चलने का हम सलाह देंगे, और वहाँ पे आप चल के आप इन परेशानियों से बच सकते हैं, मतलब जो दलाल है उससे बच सकते हैं। बिल्कुल, दलाल के पास जाइएगा आप, डरा कर धमका कर तमाम तरह के आपके पैसा जेब काट लिया जाएगा, जमीन जो भी थोड़ा बहुत बेचा उसको भी बेचना पड़ जाएगा, इसलिए आप परेशान हो जाइएगा, तो आप एक वकील के पास जाइए, वकील आपको एक अच्छा रास्ता बताएगा, ठीक है ना, जिस तरह से बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक अच्छा सलाह देता है, उस तरह की इस तरह का जो भी लीगल पॉइंट्स है, लीगल जो डिस्प्यूट है उसमें आपको वकील एक अच्छा सलाह देगा, तो भरमाने की जरूरत नहीं है, आप एक आपको वकील से आप सलाह लीजिए, कोई भी आपको झांसा में देता है कि हाँ भाई आपका जमीन जाने वाला है, ये होने वाला है, आप कोई उसमें बेफिक्र रहिए, सर को हम बबलू सर के नंबर डाल देंगे वीडियो में, और इनसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा और आइएगा पटना में, आपको हाई कोर्ट में के पास मिल जाएंगे। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, तब तक के लिए देखते रहिए RBN हिंदुस्तान, सोनू कुमार के साथ।